हेलो दोस्तों, आज हम सीखने जा रहे हैं किस तरह से एक पिक्चर में से उसका बैकग्राउंड हटाएंगे। और स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो में। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का ये नया वीडियो। तो देखते हैं दोस्तों किस तरीके से हम एक पिक्चर में से कोई एक बैकग्राउंड हम वो बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई एक रैंडम पिक्चर हम छांट लेते हैं। मैन विद अ ट्री। तो हमने कोई एक पिक्चर छांट ली है हमने, और इमेज में जाएंगे तो मैन अंडर द ट्री। मैन विद अ ट्री, तो चलिए कोई ये एक पिक्चर छांट ली। अब हम इसमें से बैकग्राउंड हटाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए अब देखते हैं किस तरीके से हम इसमें से बैकग्राउंड हटा सकते हैं। तो चलिए ये वाली हम पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इस पिक्चर को हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, सेव इमेज। तो ये हमारी पिक्चर यहाँ डाउनलोड हो रही है। जब तक ये डाउनलोड होती है तब तक दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए आगे को किस तरीके से हमने और किन किन टॉपिक्स पर वीडियो बनानी चाहिए। तो चलिए ये हमारी वीडियो यहाँ से डाउनलोड हो गई है। तो अब मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस वीडियो का बताने जा रहा हूँ, जो है हमारी एक वेबसाइट। सिंपली हम यहाँ से टाइप करेंगे अपने कीबोर्ड पे remove.bg, जिससे कि एक वेबसाइट हमारे सामने आके खुलेगी, जो हमारे काफी मदद करेगी कि हमारे पिक्चर में से किस तरह हम बैकग्राउंड हटा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपलोड इमेज पे हम जाएंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूँ, इसका इंटरफेस बहुत ही लाजवाब सा इंटरफेस है। यहाँ पे इसका लोगो, रिमूव बैकग्राउंड, हाउ टू यूज यहाँ पे दिया हुआ है, और बाकी की सारी चीजें हैं, मार्केटिंग, मीडिया, ये वो। और इसके साथ टूल्स एंड API आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। और हम इसका फ्री वर्जन हम ट्रायल करेंगे। अभी देखिए फ्री में हम करने के लिए क्या करेंगे, अपलोड इमेज। यहाँ से अपलोड इमेज किया तो हमने ये इमेज सेलेक्ट कर ली जो अभी हमने डाउनलोड करी थी दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए ओपन करेंगे तो ये इमेज यहाँ पे अपलोड होने लग गई है दोस्तों। ये देखिए अपलोड होने लग गई, रिमूव बैकग्राउंड। जब तक ये बैकग्राउंड रिमूव होता है तब तक देखिए दोस्तों, ये देखिए ये इसने पेड़ भी हटा दिया और इसमें से इसने एडिट का भी ऑप्शन दिया। अब एडिट के ऑप्शन में क्या है, हम यहाँ से क्या क्या चीजें इसमें देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम अगर फोटो को करते हैं इरेज एंड रिस्टोर में जाते हैं, तो इरेज एंड रिस्टोर में जाएंगे तो यहाँ देखिए काफी सारी चीजें हैं जो इरेज करने को ये बता रहा है। तो ये इरेज हम कौन कौन सा पार्ट हमने इरेज करना है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं इसको इरेज करने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ ब्रश साइज हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, इसका ब्रश साइज क्या रहेगा, और बाकी चीजें यहाँ से करी जा सकती हैं। तो इस जो पिक्चर को हम यहाँ से कट करेंगे, और कट करने के बाद ये देखिए यहाँ पे हमारा पिक्चर में से बैकग्राउंड गायब हो गया, सिर्फ आदमी आदमी लड़का ही लड़का यहाँ रह गया। हमने इस पे क्लिक करके या डाउनलोड पे क्लिक करके ये पिक्चर हमारी डाउनलोड हो गई है। तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं कि कैसे ये पिक्चर हमारी दिखती है, कि बैकग्राउंड इसका हटने के बाद ये पिक्चर ओपन हो रही है। तब तक लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों होना चाहिए जरूर, और बेल आइकन आप दबा लीजिए। इसमें बेल आइकन आप दबाएंगे तो आपको आने वाली वीडियोस का पता चलते रहेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारी वीडियो आ गई है, जूम करके देखते हैं तो काफी शानदार सी यहाँ पे एक वीडियो हमारी जनरेट हो गई है दोस्तों। तो इसी तरीके की और भी वीडियोस अगर आपने देखनी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ आई एम अ लर्नर पर। धन्यवाद।